जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कुछ शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। एक मिसाल देकर आपको ये बात मैं समझाता हूँ। पहले के जमाने में घी का मतलब हुआ करता था घी, लेकिन फिर समय बीतता गया, बीच में ब्रिटिश भी आए हमारे ऊपर राज करने के लिए। उन्होंने हमारे ऊपर राज तो किया, हमें लूटा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ आदतें भी बिगाड़ दी। तो एक पाम करके एक वनस्पति है, उससे जो घी निकलता है, मैंने भी गड़बड़ कर दी दोस्तों, उससे जो द्रव्य निकलता है वो घी के जैसा होता है, वेजिटेबल ऑयल जिसे हम कहते हैं। तो और ये एक डाल्टा करके कंपनी थी जो भारत में इसका उत्पादन करती थी, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया डाल्टा घी। फिर उसका प्रयोग इतना बढ़ गया क्योंकि वो सस्ता था, इसलिए हर कोई उसे इस्तेमाल कर सकता था। तो इतना उसका इस्तेमाल बढ़ गया कि डाल्टा ये नाम भी पीछे छूट गया और केवल घी इतना ही बचा। तो आज अगर हम घी ये शब्द प्रयोग करते हैं तो कई बार ये डाल्टा या वनस्पति का जो घी है वो हमारे नज़रों के सामने आ जाता है। और इसलिए जो असल में घी है उसको समझाने के लिए या उसको दर्शाने के लिए हमें अलग से शब्द प्रयोग करना पड़ता है, शुद्ध घी या देसी घी। मजे की बात है ना दोस्तों? लेकिन आप बोलोगे कि अरे ये तो पंचगव्य चिकित्सा की सीरीज है और इसमें ये बंदा भाषा के ऊपर ज्ञान क्यों दे रहा है, इसका क्या संबंध है? जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल ताल्लुक है। मैं आपको वो समझाऊँ, उसके पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ कल्पेश दीक्षित, आप देख रहे हो विपणी स्वदेश की मंडी, और ये एक वेब वीडियोस की एक सीरीज है आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा इस विषय पर। ये आज का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले के दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज़रूर उसे देखिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ इस वीडियोस को आप शेयर करिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ज्ञान हमें होना ही चाहिए, ऐसा है। तो चलो दोस्तों, आज के विषय पर फिर से आता हूँ, और इसका ताल्लुक क्या है, जो मैंने पहले भाषा का ज्ञान दिया था वो पहले आपको समझा लो। तो असल में हुआ यह है कि जो घी के साथ हुआ है ना, वही कॉन्स्पिरसी या वही ट्रेजेडी गाय इस शब्द के साथ भी हुई है। तो अपना विषय तो है पंचगव्य चिकित्सा, लेकिन इसके अंदर जो गव्य है वो उस जमाने की अलग थी। उस जमाने में सिर्फ गव्य इतना ही शब्द काफी था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें इसको समझना है तो पंच देसी गव्य चिकित्सा ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि चिकित्सा की जो पद्धति है वो आपको बताने से पहले ये बात आपको इसी समय क्लियर कर दूं कि जो देसी गाय से उत्पन्न होने वाला पंचगव्य है उसी का प्रयोग इस चिकित्सा में लाभदायक है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग तरीके के गाय या ब्रीड्स की गाय हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन उसका इस चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। जर्सी गाय और देसी गाय में फर्क क्या है, ये हम बहुत जल्द समझेंगे। एक साइंटिफिक तरीके से इन दोनों का कंपैरिजन भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले जर्सी गाय ये है क्या आपको समझना ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जर्सी गाय नाम का कोई पशु इस धरातल पर नहीं है, तो फिर ये नाम कैसे आ गया? असल में जर्सी नाम का भी कोई पशु या प्राणी आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जर्सी ये आइलैंड का नाम है, इंग्लैंड के नजदीक ये टापू या बेट है जिसमें दूध देने वाले पशु को काउ के नाम से बुलाते हैं। यूरोपियन लोगों में, यूरोप या रशिया में अक्सर जो पशु दूध देता है उसे काउ के नाम से बुलाते हैं। आप गूगल पर भी देख सकते हो, यूरोपियन काउ या रशियन काउ डाल के उसकी इमेज जो आपके सामने आएंगी आपको पता चल जाएगा कि वो पशु है किस तरह का। तो उनके दिमाग में तो ये था कि दूध देने वाला पशु मतलब काउ। तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने देखा कि गाय दूध
टू कर्व ये इक्वेशन बन गया। हालांकि ऐसा है नहीं, जैसे कि धर्म इज इक्वल टू रिलीज है, यह एक बड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है। असल में कर्म का मतलब रिलीजन होता है, लेकिन उनके पास धर्म के लिए कोई शब्द नहीं था, तो इसलिए उनके पास जो शब्द था वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और गड़बड़ यह कि हमने उसे स्वीकार किया। इसलिए हम भी अगर धर्म को रिलीजन किया तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। गाय को बहु कहना है, उसी तरीके गड़बड़ है जो हम भी कर रहे हैं। तो जो जर्सी गाय है, जर्सी आइडेंटिटी जो पशु वो लेके आए काउ, वो जब वो यहाँ भारत में लेके आए तो अपने देश के लोगों ने भी यही देखा कि अरे ये तो गाय जैसी दिखती भी है और दूध भी देती है, तो ये बंदी जर्सी गाय, जर्सी से आई है इसलिए जर्सी गाय। तो ऐसा ये किस्सा है, एक लगभग 400 या 500 किलो का वजन रखने वाला ये पशु है, और मजे की बात यह है कि उसके वजन से लगभग 10 गुना तक वो दूध दे सकता है, इतनी उसकी क्षमता भी है। और वैसे तुलनात्मक देखा जाए तो ये वजन कोई बड़ा नहीं है, इसलिए उसको पोसने के लिए जो भी चारा या जो भी चीजें खाने की उसको रखती है वो भी किफायती है। और इसलिए बहुत सारे लोग हैं अपने देश में उसके अलग अलग ब्रीड बनाए, वो बनते हैं, और क्योंकि वो ज्यादा दूध भी देती है, उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है, सस्ता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में जर्सी गाय को पालना शुरू कर दिया। तो इसके साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दूध तो वो देती है, लेकिन वो जो दूध देती है और देसी गाय जो दूध देती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। जर्सी गाय का जो दूध है या जर्सी गाय से उत्पन्न हुए किसी भी ब्रीड का जो दूध है वो फैट उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। और इसी के साथ साथ आगे और क्या क्या चीजें हैं कंपेरिजन है, क्योंकि वीडियो ज्यादा भी ना बढ़ जाए, इसलिए आने वाले वीडियो में इन दोनों के देसी गाय और जर्सी गाय ये दोनों में क्या फर्क होता है ये मैं आपको अच्छी तरीके से साइंटिफिक तरीके से समझाऊ, जाते जाते भी एक बार आपको बता देता हूँ। जो भी पैचराइज मिल्क आपके पास आता होगा तो उसके अंदर साइंटिफिक टर्म यूज होता है एवन, तो ये जो एवन होता है ये एवन दूध यानी कि जर्सी गाय का दूध, और एक मतलब देसी गाय का दूध। तो चलिए इसके अंदर और क्या